जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD DB एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर jobsgyan सर्च करना है। सर्च करने पर आपको यहां से पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर आप होम पेज पर आ जाओगे और आपको टुडे बेस्ट जॉब के अंदर कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट 2022 देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये जॉब यहां पर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आपको यहां पर सर्च में सर्च कर लेना है कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक रिक्रूटमेंट। तो फिर आप यहां पर इस पोस्ट के ऊपर आ जाओगे जहां पर आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिल पा रही है। जैसे कि ये भर्ती नाविक GD DB यांत्रिक पर निकाली है जिसके लिए टोटल 350 पद है। 10वीं या फिर 12वीं या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग इस फॉर्म को 2 जुलाई 2021 से लेकर के 16 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको चेक करनी है और चेक करते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले आप जान लीजिए कि मैंने ऑलरेडी नाविक GD DB और जो आपका यांत्रिक है पोस्ट इनके लिए अलग अलग से सिलेबस की वीडियो बनाई है, तो आप ये भी वॉच कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर इसका जो अप्लाई का पेज है वो आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 10 बजते ही आपका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर यह लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि इस प्रकार का है। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना नेम फिल अप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आपको अपनी माताजी का नाम इसके बाद एंटर करना है। फिर नेशनलिटी के अंदर आपको यहां से इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका जो भी हो यहां से आपको चूज करना है। बेसिकली इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहां पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद आपने जो भी ईमेल आईडी भरी है इस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल करके यहां पर आपको कंफर्म करना होगा। नीचे आता है मोबाइल नंबर, अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको एंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहां पर देखोगे सक्सेस, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली। और मैं आपको बता दूं कि जो ओटीपी आपको आएंगे इनमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार में ईमेल का ओटीपी आ जाएगा बट मोबाइल का ओटीपी नहीं आएगा, मोबाइल का ओटीपी आ जाएगा तो ईमेल का नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको थोड़ा वेट करना है और बार बार ओटीपी को जनरेट नहीं करना है, क्योंकि जब आप बार बार ओटीपी जनरेट करते हो तो फिर आगे पीछे हो जाता है और वो ओटीपी बार बार इनकरेक्ट बताता है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी इसमें बरतनी होगी। अब यहां से दोस्तों आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिला है मैसेज के माध्यम से वो यहां पर एंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहां पर दिया गया है आपको फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखोगे कि आपके सामने रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको अपना एक न्यू पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। आपने जो भी पासवर्ड ऊपर फिलअप किया है इस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके एंटर करना है। फिर यहां पर आपके सामने जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। मैं इसको फिलअप कर देता हूं और फिलअप करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, आपको यहां से इसको नेवर करना है और फिर यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको यहां पर इनके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहां पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कुछ पहले से फिलअप है और कुछ अभी आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका नेम और फादर नेम मदर नेम दिया गया है। आपको यहाँ पर अपनी सेकेंडरी ईमेल फिलअप करनी है अगर आप फिलअप करना चाहते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। मैरिटल स्टेटस के अंदर आपको अनमैरिड चूज कर लेना है या फिर जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग। आधार नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर फोटो आईडी कार्ड, इनमें से आपको कोई एक आईडी देनी ही होगी, तो जो भी आईडी आप देना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए।
दीजिए और फिर उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है तो यहाँ पर आपको उस मार्क के बारे में लिखना है। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क टू है, अगर आपकी बॉडी पर एक से ज्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख दीजिए, यानी कि मेरा एक ही मार्क है और दूसरा मार्क नहीं है। इसके बाद आता है कैंडिडेट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है, तो पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो चूज कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप इसमें क्या देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ से 10th क्लास का सर्टिफिकेट चूज कर लेते हैं। अगर आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल है नहीं तो आप नो कर दीजिए। छूट चाहोगे तभी आपको यस करना है। अगर आप मान लीजिए OBC कैटेगरी है और आपको छूट मिलती है 3 साल की और अभी आपको छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर यस नहीं करेंगे। फी वेवर, अगर आपको जो आपकी फी होती है उसके अंदर छूट चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, और ये बेसिकली SC ST के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, अगर आप यहाँ पर पहले से काम करते हो तो यहाँ पर आपको अपना जो डिपार्टमेंट है वो चूज करना है, नहीं तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसको अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेना है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखोगे अपलोड फोटो आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने फोटो आईडी सेलेक्ट की है, चाहे आपने कोई सी भी आईडी सेलेक्ट की है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फाइल फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा, JPEG, PNG, PDF, और इसी के अलावा आपको अपलोड DOB प्रूफ, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है जिसमें कि आपने 10th की मार्कशीट चूज किया या फिर जो भी चूज किया है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। हम पिक्चर में आते हैं और यहाँ से मैं इस आईडी को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी और ये अपलोड भी हो चुकी है। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है 10th की वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये भी यहाँ पर आपकी अपलोड हो चुकी है। अब जितनी भी जानकारी आपने सेक्शन के अंदर भरी है उनको चेक करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पोस्ट सिलेक्शन की जानकारी आ जाएगी, यानी कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके सामने तीनों पोस्ट है, नाविक DB, नाविक GD और यांत्रिक, और आपको क्वालिफिकेशन भी बताइए कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम यहाँ से नाविक GD सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपके मन में ये होगा कि हम क्या दो पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप एक बार में दो पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम नाविक GD सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी उसी के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले है कि डिड यू पास इन क्लास 10, यानी कि आपने पास कर लिया, तो यहां पर आपको यस करना है। सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा था वो यहां से आपको चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको 10th सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है। जिन कैंडिडेट की मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, अगर उनकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वो यहां पर अपना 10th का नंबर एंटर कर सकते हैं। प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो यहां पर दोस्तों आपको चूज करना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, तो हम यहां से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ इशू ऑफ क्लास 10th मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो कब इशू हुई थी उसकी डेट आपको यहां पर लिखनी है। ये यहां पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है और सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है कि कब आपकी मार्कशीट इशू हुई थी तो आप यहां पर एक एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डू यू हैव द एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, यानी कि 10th में आपके लिए आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि पहले सनद और मार्कशीट अलग होती थी, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो यहां पर दोस्तों आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि कितने सब्जेक्ट थे, तो आपको यहां पर सभी सब्जेक्ट लिखने हैं। बेसिकली यहां पर आपको नेम नहीं, टोटल जो सब्जेक्ट है वो यहां पर डालना है, तो हम यहां से 6 डाल देते हैं। ये डालने के बाद यहां पर आपके सामने कॉलम आ जाएंगे, आप देख सकते हो नीचे आपके कॉलम आ चुके हैं। फिर दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का नाम एक एक करके यहाँ पर लिखना है, जैसे कि हिंदी, इसके बाद यहाँ से इंग्लिश, ये बेसिकली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देने हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आपको ऑब्टेंड मार्क्स के अंदर मार्क्स लिखने हैं, यानी कि कितने मार्क्स आपको उसमें आए थे, तो यहाँ से हम ये लिख देते हैं, और वो टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आपको इंग्लिश में कितने नंबर आए थे वो डालने हैं और कितने में से आए थे वो डाल देना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नंबर इसी प्रकार से फिलअप करने हैं, और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है, और अगर आपका जो 10th सर्टिफिकेट है वो अलग है तो वो यहाँ पर अपलोड कीजिए, नहीं तो दोनों में सेम सर्टिफिकेट या सेम मार्कशीट अपलोड कर दीजिए।
सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी टेंथ की जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आपको ओके करना है और ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको ट्वेल्थ की जानकारी भरनी है, तो आपको ट्वेल्थ के ऊपर क्लिक करना है। ट्वेल्थ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर आंसर करना है। आपको यहाँ से अपना जो भी आपका बोर्ड है वो आपको चूज कर लेना है, और ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ट्वेल्थ का जो सर्टिफिकेट नंबर है मार्कशीट का वो डालना है, नहीं तो आपको अगर आपके पास नहीं है तो रोल नंबर एंटर कर देना है। प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि किसके अंदर आपके मार्क्स है, सेम तरीके से जैसे कि आपने अभी यहाँ पर जो आपकी टेंथ है इसकी जानकारी भरी है। ये भरने के बाद आपके पास है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर पांच सब्जेक्ट थे हमारे पास, तो हम यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि कंपलसरी है, इसके बाद यहाँ से इंग्लिश यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, इसके अलावा यहाँ से हिंदी हम इसको फिलअप कर लेते हैं, और ये फिलअप करने के बाद आपके पास मैं यहाँ से इसको फिफ्थ कर देता हूँ। फिफ्थ करने के बाद यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो एंटर करने है, और यहाँ पर सेम तरीके से आपको जानकारी भर करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी जानकारी भर दी है। आप यहाँ पर नंबर की जानकारी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के नाम एंटर की है जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे, और फिर यहाँ पर आपने ऑब्टेंड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स फिलअप कर दिए है। अब आपको यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो फिलअप हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। ऊपर है आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। फोन नंबर विद एरिया कोड अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट करनी है, फिर उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करनी है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है यहाँ पर आपको एंटर करना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है उसका नाम आपको देना है, और नीचे है अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर जानकारी जो आपने परमानेंट एड्रेस में भरी है वो नीचे आ जाएगी। फिर आपको डोमिसाइल स्टेट यानी कि आप कौन सी स्टेट का निवासी है वो स्टेट यहां से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद एडिशनल पर्सनल डिटेल्स जैसे कि वेदर हैविंग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। वेदर स्टडीड इन सैनिक स्कूल अगर आप सैनिक स्कूल के अंदर पढ़े हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स अगर आप कर रहे हो तो सेवा दे रहे हो आर्म फोर्स के अंदर तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू रिप्रेजेंटेड एट एनी लेवल इन स्पोर्ट्स अगर आपने रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में किसी भी लेवल पर तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद डू यू नो स्विमिंग क्या आपको तैराकी आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि आपको उसका क्या जो खामियाजा आ जाए वो आगे चल करके भुगतना पड़ सकता है अगर आपको बाद में भी तैराकी नहीं आती। फिर आर यू सन ऑफ सर्विंग अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू चाइल्ड वार विडो अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर यहाँ पर है आर यू पेरेंट्स फादर मदर सर्विंग रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्स अगर आप हो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम अगर आप किए गए हो डिस्चार्ज तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर नीचे आती है डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो बेसिकली आपको इनका सभी का आंसर नो करना है। बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ये पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई केस है, कोई केस कोर्ट में चल रहा है, कोई केस ऐसा तो नहीं है कि जिसमें आपको सजा सुनाई गई है, तो आपको यहाँ पर इनको अच्छे से रीड करने के बाद आंसर यस नो में देने हैं। अगर आपके ऊपर लागू होता है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इफ द एप्लीकेंट हैज बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आप किए गए हो दोषी पाए गए हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। हैव यू अप्लाइड इन हायर कोर्ट फॉर एक्विटल अगेंस्ट दी जो आपको दोषी ठहरा गया था, क्या आपने फिर हायर कोर्ट में अप्लाई किया था उससे बचने के लिए या फिर उसकी और मांग करने के लिए, तो यहाँ पर आप यस नो में आंसर कर सकते हैं। डिबेट बाय यानी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से निकाले गए हो एग्जाम में या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। ये करने के बाद आपको इन सभी को आंसर को चेक करना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, अब यहाँ से आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद
आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ चुकी है। आपके फोटो का फॉर्मेट इनमें से कोई भी चलेगा और साइज 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। तो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपका फोटो है उस पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर डेट ऑफ फोटो यानी कि किस डेट में आपने वो फोटो लिया है वो भी होना चाहिए इस प्रकार से तख्ती के साथ में, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका ऐसा इमेज है जो कि यहाँ पर बताया, जैसे कि जिसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको ये अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आपका नेम होना चाहिए और जो कि कैपिटल लेटर के अंदर, और फिर डेट होनी चाहिए जिस डेट में आपने फोटो क्लिक किया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको जो भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसको ओपन कर देना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, इनके बाएं अंगूठे का इंप्रेशन आपको लगाना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको एक ब्लैंक पेज यानी कि कोई कागज पर लगाना होगा, उसके बाद उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद ओके कर दीजिए। ये करने के बाद आपके सामने आते हैं सिटी प्रेफरेंस जो कि है आपकी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंसेस। तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किस स्टेट के अंदर देना चाहते हो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है। उसके बाद यहाँ से उसके अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को देना चाहेंगे वो आप चूज कर लीजिए। आप यहाँ पर स्टेट तो एक ही दे सकते हैं सभी में प्रेफरेंस, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो हम यहाँ से गोरखपुर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से थर्ड स्टेट हम उत्तर प्रदेश ही देते हैं और इसमें यहाँ से हम लखनऊ सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से फोर्थ स्टेट जो आपकी है वो उत्तर प्रदेश ही हम चूज करते हैं और जो आपकी फिफ्थ प्रेफरेंस है सिटी की वो प्रयागराज कर लेते हैं यानी कि इलाहाबाद। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों है आपका सिटी प्रेफरेंसेस फिफ्थ आपको स्टेट चूज करनी है और उसके अंदर यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आती है आपका सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस स्टेज टू के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने स्टेज टू सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यानी कि स्टेज टू में आप एग्जाम सिटी के लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो यहाँ पर आपको चूज करना है। सिटी प्रेफरेंस फर्स्ट यहाँ पर नॉर्थ जोन आपका है, आपको यहां पर इसके अंदर आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको सिटी प्रेफरेंस टू कौन सी देनी है, किस जोन के अंदर देनी है वो जोन यहां से आपको चूज करना है। फिर यहां से उसके अंदर आपकी जो भी सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। थर्ड आपको किसको देनी है, किस जोन को देनी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां से उसके अंदर जो सिटी है वो चूज करनी है। इसी प्रकार से यहां से आपका फोर्थ जोन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है यानी कि कहां रखना चाहते हो। फिर यहां से उसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी है। फिफ्थ जोन यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहां से उसकी सिटी चूज कर लेनी है। ये करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहां पर आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। तो यहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी अवेलेबल है। आप एक एक करके सभी जानकारी को यहां से कंफर्म कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसी सेक्शन में एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आकर के जो यहां पर आपको ये दिए गए हैं, पहले तो आपको यहां पर अपनी सिटी का नाम डालना है किस सिटी से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं और ये फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी डेट दी गई है, दिया गया फोटो अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन अपलोड करना है और जिसकी जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें आपको क्या जानकारी फिलअप करनी है। तो ये आपका सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद यहां पर दोस्तों बोला है कि अफिक्स इन सेम फोटोग्राफ एज अपलोड इन दी एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टिंग बाय साइनिंग हाफ ऑन फोटो एंड हाफ ऑन पेपर। यानी कि जैसा फोटो आपने इस फॉर्म में अपलोड किया है वो फोटो यहां पर आपको चिपकाना है सेम, और उसके ऊपर आपको साइन करने आधे फोटो के ऊपर होने चाहिए आधे नीचे होने चाहिए यानी कि पेज के ऊपर। फिर यहां पर आपको अपना नाम लिखना है और यहां पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद यहां पर आपको सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन यानी कि जो भी आपके पेरेंट है गार्जियन है आपके चाहे माता हो चाहे पिता हो उनके सिग्नेचर यहां पर आपको कराने होंगे। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट यहां पर आपको अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। इसके अलावा आपको यहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी कि अपने सिग्नेचर आपको थर्ड वाले कॉलम में करने हैं। अपना नेम लिखना है, बैच लिखनी है, पोस्ट अप्लाई लिखनी है यानी कि आपकी ये बैच फरवरी 2021 है, पोस्ट आपने किस पर अप्लाई किया वो आपको लिखना है, और जो आपने आईडी सेलेक्ट अपलोड की है इस फॉर्म को भरने में उसका नंबर यहां पर आपको देना है। ये करने के बाद नीचे है कि सर्टिफिकेट टू राइट दी अबो कंटेंट इन हिज अवन हैंड राइटिंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो लाइनें ऊपर यहाँ पर दी गई है ये आपको यहाँ पर खुद इसकी राइटिंग में लिखनी होगी। यहाँ पर आपको बोला है कि
कैंडिडेट टू राइट द अबो कंटेंट इन हिज अवन राइटिंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर जो सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग है, यहाँ पर ये लाइनें आपको जितनी भी यहाँ पर लाइनें दी गई है, ये सभी लाइनें आपको यहाँ पर खुद से राइट करनी है अपनी हैंड राइटिंग से, और उनको लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेम तरीके से आपके जो माता पिता हैं उनका सिग्नेचर कराना है, चाहे आपके माता का चाहे पिता का, अपना लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन लगाना है, और बाकी की जानकारी आपको सेम भरनी है जैसे कि आपने यहाँ पर ये जो जानकारी भरी है। इसके बाद आपको इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने इस फाइल को स्कैन करके रखा है वो आपको अपलोड कर देनी है, और अपलोड करने के बाद जैसे ये अपलोड हो जाए फिर यहाँ पर आपको इनके ऊपर टिक करना है जो कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन सभी के ऊपर टिक करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से नीचे आना है, और मैं आपको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है क्योंकि काफ़ी सारे ये सवाल है, आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है ताकि आपके मन में भी कोई डाउट न रहे इनको लेकर के। फिर यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आपको चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से जमा करोगे। यहाँ पर बोला कि पेमेंट मोड सक्सेस रेट, अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हो तो आपका हाई पूरा ऐसा होता है कि कोई भी एरर नहीं आता, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से करते हो तो यहाँ पर एरर आ जाता है और फीस आपकी स्टक हो जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही अपनी फीस को जमा करना है। अब फिर आपको यहाँ पर अपना गेटवे चूज करना है। इसके बाद आपको पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप इनमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ये वाला, और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग चूज करोगे तो आपके सामने नेट बैंकिंग की जानकारी आ जाएगी, और फिर यहाँ पर पे थ्रू आपको किस बैंक की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और बेसिकली आपको अपनी जानकारी जैसे कि आप अन्य किसी पोर्टल पर फिलअप करते हो, यानी कि फीस पे करते हो, वही आपको यहाँ पर पे करनी होगी। अगर आपके सामने जो एरर यहाँ पर बताए गए हैं इनके अलावा कोई एरर आता है यानी कि फीस स्टक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेसिकली अगर फीस स्टक हो जाए तो आपको कम से कम 48 घंटे का वेट करना है, उस समय के अंदर आपकी फीस या तो रिफंड होगी या फिर अपडेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक GDDB ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।